नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए व्यापार कल्याण सेवा समिति सिदारी के सचिव शिव शंकर लाल गुप्ता मुन्ना ने बताया कि सिदारी बाजार में पूर्व में कई वर्षों से रविवार की साप्ताहिक बंदी चली आ रही है और आज भी सिदारी के समस्त दुकानदारों का मत साप्ताहिक बंदी को रविवार को ही बंद करने का विचार है और कहा कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा शनिवार को सिदारी बाजार की साप्ताहिक बंदी का निर्देश दिया गया है। सिदारी नगर पालिका क्षेत्र में होने के कारण रविवार को बैंक और समस्त सरकारी कार्यालय भी बंद रहते हैं। सिदारी बाजार की साप्ताहिक बंदी पर अपने विचार करते हुए समस्त व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक बंदी रविवार को निर्धारित करने की मांग की गई। इस मौके पर सिदारी पश्चिमी के सभासद पुरुषोत्तम सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस सप्ताह जो मनाया, सेवा सप्ताह के रूप में जो पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसी के तहत आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर कराया जा रहा है। हमारे देश के अंदर कभी वृक्षों की बड़ी महत्ता रही है, बीच में विकास की अंधी दौड़ में वृक्षों की अनदेखी की गई, जिसके कारण पर्यावरण संतुलन पूर्ण रूप से देश का और दुनिया का बिगड़ गया और पूरी दुनिया और देश पर्यावरण संतुलन को पुनः कायम करने के लिए चिंतित है। इस अवसर पर हम अधिक से अधिक पेड़, चाहे सरकारी जमीन पर, विद्यालय पर, अपने घर पर जो भी लगाएंगे, उससे देश का भी भला होगा और संपूर्ण दुनिया का पर्यावरण की दृष्टि से भला होने वाला है। आज मोदी जी के जन्म दिवस के ऊपर पूरे देश के अंदर वृक्षारोपण करके एक कीर्तिमान स्थापित करना। कितना टारगेट है वृक्षारोपण का आप लोगों ने? देखिए, ये जनता से स्फूर्त कार्यक्रम है, कोई सरकारी कार्यक्रम ऐसा नहीं है जिसकी गणना पहले से की गई हो, परचेज किया गया हो, फिर आगे भुगतान करना है। यह जनता का कार्यक्रम है, कार्यकर्ता को करना है। अब वो जितना अपने शक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार, पूरी जनता, कार्यकर्ता या समाज के अन्य बुद्धिजीवी लोग करेंगे, अब वो गणना का विषय नहीं।